अब तो मैंने बाइट खानी, आप बताओ ना। अच्छे से खाओगे ना, सारा खाना खाओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी मम्मा ने क्या क्या बोला। बताओ ना, अब तो मैंने 3 बाइट खा लिए, बताओ ना मुझे मम्मा ने क्या कहा। बता दो भाभी, एंजल्स बन गए। से मेरी खुशी एंजल असली की एंजल। और पता है मम्मा ने क्या कहा? क्या कहा? कि हनी हमेशा ऐसी सैड रहेगा ना तो मैं भी सैड हो जाऊंगी। आप अपनी मम्मा को सैड करना चाहते हो? नहीं खुशी एंजल, मैं अपनी मम्मा को कभी नहीं सैड करूंगा। तो फिर हमेशा खुश रहोगे ना, हंसोगे ना? कैसे हंसोगे? ऐसे शौकी खाना नहीं खाएगा तो सबको संभालेगा कैसे? मैंने बोला ना अपनी भूख नहीं है मुझे। ठीक है, जब मैं गुस्सा करती थी और खाना नहीं खाती थी तो तू अपने हाथ से मुझे खाना खिलाता था, और अब देखो कैसे नखरे कर रहे। खाना नहीं खाएगा तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाएगा और फिर पीका पीका खाना खाना पड़ेगा, और फिर हरलीन को दिया हुआ वादा भी तोड़वाएगा कि मैं तेरा और हनी का हमेशा ख्याल रखूंगी। हरलीन से कभी अच्छे से बात नहीं की, मुझसे प्यार करती थी, कोशिश करती थी कि मैं एक बार उसकी तरफ प्यार से देख लूं, पर मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की, उसे इंसल्ट किया, जो उसका हक था उसे कभी दे ही नहीं पाया, ना कभी अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप। तुम्हें पता है जब मैं ड्रग्स की आदतों में था, एक वो ही थी जो मेरे साथ खड़ी थी, उसके बाद भी खराब बंदा हूं। उस पे इल्जाम लगाता रहा कि वो एक अच्छी मां नहीं बन पाई, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, जबकि मैं एक अच्छा बाप कभी नहीं बन पाया। उसने तो जान दे दी हनी को बचाने के लिए, और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। चिट्ठी ना दी अपने आप से, जो बीत गया बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन हाँ जो आने वाला कल है उसे जरूर ठीक कर सकते, उसे संवार सकते। आदमी भी तो यही चाहती थी ना, जो वक्त है और जो एनर्जी है वो तो हनी पर लगा, हनी के भविष्य को संवारने के लिए लगा। तुझे हनी को एक माँ का और बाप का दोनों का प्यार देना है रॉकी, तुझे एक बहुत अच्छा पापा बन के दिखाना, बेस्ट फादर। हनी के लिए तुझे ये करना होगा रॉकी, हनी वो सारी खुशियां डिजर्व करता है, बहुत सारा प्यार डिजर्व करता है रॉकी। अब थोड़ा सा खा ले।
ये अभी मरी नहीं है, जिंदा है, वापस आ गई है। जिसकी जिंदगी मिल जाती है ना, सिर्फ पूरा ही होता है। ये बंदी और इसकी माँ इस घर में नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। सुना तूने? जिस हैप्पी को आपने जेल में डलवा रखा है ना, और जमाने भर की कीचड़ उछाल रहे हो, अगर आज वो हैप्पी नहीं होती तो आपका पोता मर चुका होता। फायदा हुआ मेरी नफरत का? कुछ भी तो नहीं, उल्टा सब कुछ खो दिया मैंने। सब कुछ हारती चली गई मैं, सब कुछ हारती चली गई, सब कुछ। कुछ नहीं बचा मेरी नफरत की वजह से, कुछ नहीं बचा। सच्ची बीजी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तू चल, होगा, क्यों नहीं होगा, हम करके रहेंगे। हाँ सुन, तू जा, धीरे से मैं आती हूँ, जा चुपके से निकलना, जा। अनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और कहाँ, स्कूल ही तो जा रहा हूँ। स्कूल बिना यूनिफॉर्म के? ये हनी, क्या हुआ? अरे तूने अपने पापा को बताया नहीं कि तेरे स्कूल में आज फंक्शन है? इसको स्कूल यूनिफॉर्म पर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, देर हो रही है, चल ना हनी, जल्दी चल। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, कहीं चोट लगी है क्या? नहीं पापा, मुझे चोट नहीं लगी है। कुछ एंजल अमृतसर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही है हमसे दूर, मुंबई। क्या शौकी जा रहा है? मैं देख क्या थी। प्लान का पहला हिस्सा, ओ जी, डना डन। शौकी, तू गई नहीं? तू यहाँ पे सबको बाय बोलने आई है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं। हैप्पी, तू पागल हो गई है, ऐसे कैसे जा सकती है तू? आंटी के बारे में सोच, आंटी की तबीयत खराब है, हालत कैसी है उनकी, तू उनको ट्रैवल कैसे करेगी अमृतसर से मुंबई तक? और मैं बोल रहा हूँ तू नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी अमृतसर से, कहीं नहीं जाएगी, और बहस करने का टाइम भी नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएगी। एक सेकंड, मैं नहीं जा रही हूँ, जा तू रहे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे सबको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे चला जाएगा तू? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, सुना तूने? क्या हुआ, तू नहीं जा रहा है? तू नहीं जा रही है? अरे पर तुम्हें किसने बोला कि मैं जा रही हूँ? तो तुझे किसने बोला कि मैं जा रहा हूँ? खुशी एंजल, आपका नाम हैप्पी है, तो आप जहाँ भी जाते हो वहाँ हैप्पीनेस फैला देते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ से कभी ना जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना। बट मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा बहुत सैड हो गए, आप प्लीज मेरे पापा की लाइफ में भी हैप्पीनेस भर दो ना। मम्मी भी आपको बोल के गई थी ना कि मेरा और पापा का ध्यान रखना, तो आप दोनों प्लीज एक दूसरे से शेक हैंड कर लो और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस कर लो, बिल्कुल जैसे मैं और स्वीटी ने किया है। आप दोनों बेस्ट हो एक दूसरे के लिए। इतना सब दर्द सह के जिंदगी का जायका कड़वा करके मुझे एक बात तो समझ में आ गई।
इतने सालों में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तुम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। तुम दोनों का प्यार सच्चा है, इस पे रब का आशीर्वाद है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यही किस्मत का लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं भी नहीं। पापा, खुशी एंजल, आई लव यू, अलग अलग भी और साथ में भी। अगर आप दोनों साथ में रहोगे तो मेरे लिए आप दोनों का प्यार पाना आसान हो जाएगा, और आप भी साथ में हैप्पी ही रहोगे। मान जाओ ना प्लीज खुशी एंजल, प्लीज पापा। ये जो आप कह रहे हो ना, वो नहीं हो पाएगा। आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी, पर आपके घर आना आपके पापा के साथ में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तो आपकी खुशी एंजल हूँ ना, और एंजल्स जितनी भी विशेष होती है ना, सारी पूरी करती है, हमेशा आपका ख्याल रखती है। आपके पास तो एक नहीं, आपके पास तो दो एंजल्स हैं, एक मैं और एक आपकी मम्मा। पर बेटा ये नहीं हो पाएगा। हनी, खुशी बिल्कुल ठीक बोल रही है, वो मैं साथ नहीं हो सकते। आपके पापा आपके साथ हैं, आपका पापा भी मैं हूँ और मम्मी भी। आपके साथ क्रिकेट भी खेलूंगा और आपके लिए गरम गरम पराठे भी बनाऊंगा। हम तीनों की फैमिली है बेटा, आप, मैं और बीजी। प्यार पाना आसान हो जाएगा, मान जाओ ना प्लीज खुशी एंजल। ये जो आप कह रहे हो ना, वो नहीं हो पाएगा। रहने दे रॉकी, जाने दे उसे। अभी तू उससे कुछ भी कहेगा ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तेरे और हैप्पी के साथ ना अपनी दुनिया बसा ली थी, जो दुनिया तूने बिखेर के रख दी। कहाँ जा रहा है? मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तू कहीं नहीं जा सकता है। क्यों किया तूने ऐसा? तू हैप्पी को कितना चाहता है ये तू भी जानता है, और मैं भी अच्छी तरह से। 6 साल पहले जब वो चली गई थी तब तेरी क्या हालत थी? 3 साल तक तू ड्रग्स से बाहर नहीं निकल पाया था, रात दिन सिर्फ और सिर्फ हैप्पी 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 यही नाम रखता रहता था। और आज जब हैप्पी के साथ जिंदगी बिताने का तुझे मौका मिल रहा है तो तू पीछे हट गया। क्यों? तूने हैप्पी से ये क्यों कहा कि तू उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता है? क्यों तूने हनी का दिल दुखाया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आज अगर मैं और हैप्पी साथ में नहीं है तो उसकी वजह भी आप ही हैं, और ये आप जानती हैं। उसके बाद भी हैप्पी जब इस घर में आई हनी के हाल चाल पूछने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, आपने कितना सुनाया उसको, कितना कोसा उसको। आपको तो यही लगता था ना कि हैप्पी की वजह से आपके घर में सब प्रॉब्लम्स आती हैं, यही लगता था ना आपको? तो अचानक ही आपका दिल पिघल कैसे रहा है हैप्पी के लिए? मैंने हर संभव कोशिश करी तुझे और हैप्पी को दूर रखने की, लेकिन मेरी नफरत से क्या हासिल हुआ मुझे? कुछ भी नहीं। तेरी खुशियों के लिए हैप्पी को तुझसे दूर रखा, लेकिन क्या तू खुश था? और मेरे लिए ना, तेरा और हनी की खुशी इससे बढ़कर कुछ नहीं है पुत्र। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बस, इसलिए मैं हैप्पी को
जाने नहीं दे सकती। मैं उसके पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी कि मुझे माफ कर दे पुत्र। अब गलतियां करने का नहीं, सुधारने का वक्त है। तू हाँ कह दे पुत्र, मुझे माफ कर दे पुत्र। मुझे माफ कर दे पुत्र। मैं जाके भी हैप्पी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हैप्पी चाहती नहीं है मेरे साथ रहना। अगर वो चाहती तो 6 साल पहले मुझे छोड़ के नहीं जाती। ऐसी बात नहीं है पुत्र, वो वक्त अलग था, अब हालात अलग है। शायद आप सही बोल रहे हो मोमसी। वो मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में हैप्पी किस तरह हनी पर जान छिड़कती है, और आज भी वो वही हैप्पी है जिससे मैंने प्यार किया था। आज भी वो वही कर रही है जो उसने पहले किया था। आज भी मुझे छोड़ के जा रही है, और आपने देखा है। आज भी उसने अकेले तय कर लिया हमारे रिश्ते की किस्मत। ना मुझसे पूछा, ना मुझे बोलने का मौका दिया। वो जाना चाहती है ना मोमसी, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ उसके लिए कि उसे जाने दो। मोमसी, आप भूल जाओ हैप्पी को। हैप्पी और रॉकी थे, ना हैं, ना होंगे, बस थे। रॉकी मेरी बात तो सुन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।